देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि पासिंग आउट परेड में आयोजित की जा रही है और बतौर रिविंग अफसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जेंटलमैन कैडेट्स की सलामी ली और इस बार IMA के 387 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए, जिसमें से 319 बतौर अफसर भारतीय सेना से जुड़े और इस बार मित्र देशों के 68 जेंटलमैन कैडेट भी पास आउट हुए हैं। इस कार्यक्रम में जनरल बिपिन रावत भी शामिल होने वाले थे और शेड्यूल में पूर्व निर्धारित मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले और लाइट एंड साउंड शो को राष्ट्रपति शोक के चलते रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना और वायुसेना के 13 अधिकारियों और जवानों का निधन हो गया था और IMA की पासिंग आउट परेड ये हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने खनन प्रेम पर कर्नल कोठियाल का ट्वीट किया। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और सरकार का खनन प्रेम आया सबके सामने। जनता ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क पर कहा था कुछ, पर धामी खनन के ओवरलोडेड ट्रक को छुड़वाने में व्यस्त हैं। तो ट्वीट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ट्वीट किया गया। यहाँ पर ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर प्रदेश सरकार पर हमलावर दिखे कर्नल कोठियाल। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार द्वारा यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए समय समय पर पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए जा रहे हैं और वहीं जनपद के यातायात निरीक्षक के चालान करना सरकार को नागवार गुजर गया। सीएम के जनसंपर्क अधिकारी ने SSP बागेश्वर को पत्र लिखकर चालान माफ करने के लिखित आदेश दे दिए और सोशल मीडिया पर गुरुवार की रात से सीएम के जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह के द्वारा SSP बागेश्वर को लिखे गए पत्र का फोटो जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 29 नवंबर को यातायात पुलिस बागेश्वर द्वारा वाहन संख्या UK02CA0238 UK4CM5907 व UK02CA1238 के चालान को निरस्त करने के आदेश सीएम द्वारा दिए गए हैं। यह आदेश की प्रति भी आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर निर्देश दिए गए हैं पत्र के द्वारा। खबर हरिद्वार से, जहां पर CDS बिपिन रावत की अस्थियां आज गंगा में विसर्जित होंगी। आपको बता दें कि VIP घाट पर विधि विधान से अस्थियां विसर्जित होंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई VIP शामिल हो सकते हैं। तैयारी में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, दिवंगत जनरल बिपिन रावत की अस्थियां हरिद्वार पहुंची हैं। ये जानकारी अहम आपको दे रही हैं, दोनों बेटी अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंची हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी है। सैन्य सम्मान के साथ आपको बता दें कि अस्थि विसर्जन होगा और कई VVIP मेहमान जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ शामिल होंगे। तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी यहाँ मौजूद रहेंगे और दिवंगत जनरल बिपिन रावत की अस्थियां जो है हरिद्वार पहुंची हैं। तो दोनों बेटियां जो हैं वो अस्थि कलश लेकर चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बाबा केदार की नगरी केदारनाथ में अब बिजली की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है और UPCL ने विपरीत परिस्थिति के बावजूद केदार धाम में सुचारू ढंग से 24 घंटे बिजली मुहैया शुरू करा दी है और विभाग ने इसके लिए सोनप्रयाग में एक विद्युत सब स्टेशन भी स्थापित किया है। और गौरतलब है कि केदारनाथ का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री कई बार ड्रोन कैमरे से यहां के निर्माण कार्य की समीक्षा करते रहते हैं। इसी के मद्देनजर पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग के साथ बैठक करके केदारनाथ में सुचारू विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए थे, जिसे UPCL ने एक महीने में पूरा कर दिया है। UPCL
ने ये कार्य जो है एक महीने के अंदर ही पूरा करके दिखाया है। सब लोगों को विदित है कि केदारनाथ धाम विश्व प्रसिद्ध धाम है। इस धाम पर विद्युत आपूर्ति एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। उस चैलेंजिंग टास्क को हम लोगों ने लिया कि इसको यहाँ पर विद्युत आपूर्ति 24 घंटे सुनिश्चित करेंगे। उस हेतु हम लोगों ने 2x3 MVA के बिजली घर बनाया और आज हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम में 23 घंटे 55 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक विद्युत आपूर्ति लगातार हम लोग दे रहे हैं, जबकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और जो बर्फीली कंडीशंस है उसके बावजूद भी हम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित। चलिए आगे बढ़ेंगे खबर रामनगर से, जहां पर संयुक्त चिकित्सालय की लापरवाही सामने आई है। महिला का चेकअप ठीक से न करने का आरोप लगा गया है। यहां पर मृत बच्चा पैदा होने से परिजनों में आक्रोश भी है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया और परिजनों के साथ बसपा कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया। यहां पर आपको बता दें कि मृत बच्चे का शव गेट पर रखकर हंगामा किया गया और अस्पताल के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहाँ पर परिजनों की ओर से और बसपा कार्यकर्ताओं की ओर से की गई। ये कई महीनों से यहाँ पर सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर कई मौतें हो गई प्रसव के पीड़ा के वजह से और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। अगर हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, जब बच्चा पेट में घूम रहा है, कहाँ है, किस स्थिति में है, अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। जब यहाँ अल्ट्रासाउंड ही नहीं है तो ये गढ़वाल और कुमाऊँ का मुख्य द्वार है और इसको रेफर सेंटर बना दिया गया और ये अच्छा खासा सरकारी हॉस्पिटल चल रहा था, आज प्राइवेटाइजेशन के बाद ये हाल है। उसके बाद मैं बच्चे को घर ले गया, तो घर ले जाने के बाद बच्चों को मैं जब घर ले गया वाइफ को, तो वहाँ पर वाइफ की फिर तबीयत हालत ज़्यादा ख़राब होगी, फिर मैंने उसको सीधा हॉस्पिटल लाया। 4:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो हॉस्पिटल में इन्होंने कहा कि ना यहाँ तो अभी कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ हमारे पास कोई सुविधा नहीं है और हम इसको इन्होंने आपको रेफर कर दिया बाहर के बाद, बाहर दिखाओ, बाहर कराओ करके। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सीधे तौर पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं, पर जिस तरीके से आपने सुना भी कि परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर्स की ओर से और यहाँ पर चिकित्सालय की ओर से भी कहा गया है कि कोई भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और इसी कड़ी में यहाँ पर धरना दिया गया। आपको बता दें कि मृत बच्चे के शव को अस्पताल के बाहर रखकर धरना यहाँ पर दिया गया। बसपा कार्यकर्ताओं ने भी धरना दिया। जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय का ये पूरा मामला है रामनगर में और संयुक्त चिकित्सालय की लापरवाही को कहा जा रहा है कि बार बार चिकित्सालय की लापरवाही सामने आती है और लगातार ऐसी तस्वीरें ऐसी खबरें यहाँ से सामने आती रहती हैं। साफ तौर पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का आरोप यहां लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन जो है वो लापरवाही बरतता है, लापरवाही करता है, इस वजह से ऐसे मामले हर दिन सामने आते रहते हैं और आए दिन जो है ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। ये कहना है बसपा कार्यकर्ताओं का और परिजनों का भी। और साथ ही आपको बता दें कि परिजनों का कहना है कि महिला का चेकअप ठीक से नहीं किया गया था, ये आरोप भी परिजनों की ओर से लगाए गए हैं। और ये पूरा मामला था भड़का जब बच्चा जो है मृत पैदा हुआ। मृत बच्चा पैदा होने के बाद परिजन जो है वो आक्रोशित हो गए और परिजनों ने बच्चों के शव को, नवजात के शव को चिकित्सालय के गेट पर रखकर धरना दिया और बसपा कार्यकर्ताओं ने भी यहां पर परिजनों के साथ धरना दिया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की। ये तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं किस तरीके से अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की जा रही है। जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रामनगर का ये मामला है और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है परिजनों में और बसपा कार्यकर्ता जो हैं वो भी यहाँ पर परिजनों के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर सही से इलाज न करने का आरोप अस्पताल प्रशासन पर है और आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप यहाँ पर लगा है और यहाँ साफ तौर पर कहना है परिजनों का कि अस्पताल प्रशासन इस तरीके की लापरवाहियाँ बरतता है। अस्पताल प्रशासन जो है वो लापरवाह है और ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, ये ऐसे पहले कई और मामले भी सामने आए हैं जहाँ पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते इस तरीके के मामले सामने आए हों, जहाँ पर प्रसूता को तकलीफ हुई हो या बच्चे के साथ कुछ घटना घटित हुई हो। और दूसरी ओर बसपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अस्पताल में प्रसूता के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं भी नहीं हैं और अल्ट्रासाउंड की मशीन जो कि
काफ़ी महत्वपूर्ण होती है प्रसूता के लिए, वो भी नहीं है गर्भवती महिला के लिए जो अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है वो काफ़ी अहम होती है, और उससे ही देखा जाता है कि बच्चे का स्वास्थ्य जो है पेट के अंदर किस तरीके से है, बच्चा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, इस तरीके की तमाम सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो है वो इस अस्पताल में नहीं है। तो संयुक्त चिकित्सालय का ये मामला है, रामनगर का ये मामला है जहाँ पर ये वाक्य सामने आया, और परिजनों ने सीधे तौर पर अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से परिजनों ने नवजात के शव को गेट पर रखकर धरना प्रदर्शन दिया। यहाँ पर महिला का चेकअप ठीक से न करने का भी आरोप परिजनों की ओर से लगाया गया, परिजनों का आरोप है कि जो महिला जो प्रसूता थी उसका भी चेकअप जो है ठीक से नहीं किया गया, और तो आज आपको बता दें कि IMA की पासिंग आउट परेड हुई और यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद रहे और देहरादून से तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से पासिंग आउट परेड हुई, और परेड में 387 जेंटलमैन कैडेट्स में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि अफसर जो हैं, कई अफसर यहाँ पर सेना में शामिल हुए हैं, 8 मित्र देशों के 68 सैन्य अधिकारी जो हैं वो भी शामिल हुए हैं सेना में। तो IMA की पासिंग आउट परेड की तस्वीरें देहरादून से आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं, और महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि दिवंगत CDS बिपिन रावत को भी इस पासिंग आउट परेड में शामिल होना था, लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे में जिस तरीके से उनका निधन हो गया तो उसके बाद वो इस पासिंग आउट परेड में शामिल नहीं हुए, और इसी के चलते आपको बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, जो लेजर लाइट शो यहाँ पर रखा गया था उस शो को भी स्थगित किया गया। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, आपको बता दें कि 387 जेंटलमैन कैडेट्स में शामिल हुए हैं, और यहाँ पर आपको बता दें कि कैडेट्स के जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुए और पासिंग आउट परेड में उन्होंने हिस्सा लिया। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं किस तरीके से IMA की पासिंग आउट परेड ये हुई, और इस पासिंग आउट परेड में तमाम सैन्य अधिकारी जो हैं मौजूद रहे, और आपको बता दें कि जो कैडेट्स थे उनके परिजन जो हैं वो भी इस पासिंग आउट परेड में शामिल हुए, और देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहाँ शामिल हुए। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के, किस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की है पासिंग आउट परेड में, और IMA की पासिंग आउट परेड थी आपको बता दें, और वहीं मित्र देशों के 68 अफसर जो हैं उन्होंने वो भी भारतीय सेना का दामन थामा है इससे। 387 जेंटलमैन कैडेट्स में जो हैं इस परेड के जरिए शामिल हुए हैं, 8 मित्र देशों के 68 सैन्य अधिकारी जो हैं वो मिले हैं भारत को। चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।